जिसको अमृत काल कहा जा रहा है, अगर ये सच में अमृत काल है तो इस अमृत काल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 50% बनाने का बिल पार्लियामेंट में आना चाहिए। तो आज की जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो सिस्टम क्या हमें अलाउ करेगी? जो इतना पार्टियां है वो पार्टी सारा मनी पावर पे चल रही है और मसल पावर पे चल रही है। मेरा अभिमान है कि मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ, क्योंकि हम महिलाओं के 100 साल के शक्तिकरण को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं का स्थान किस तरह 100 साल में आगे बढ़ा है, पार्लियामेंट चालू होने की वजह से हम यहाँ समय पर नहीं आ पाए, तो ज़्यादा बात करने का अवसर मुझे यहाँ नहीं है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को शुभेच्छा ज़रूर दूंगी और एक ही बात कहूंगी कि जहाँ विदेशों में जो ऐसे देश है जिनको हम बहुत उन्नत मानते हैं, उन्होंने भी जब महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया था, जहाँ महिलाओं को राजनीति में शामिल नहीं किया था, तब हमारे देश में हमारी महिलाएं जो है वो संघर्ष कर रही थी और राजनीति में हिस्सा लेकर राजनीति का काम कर रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल में काम कर रही थी। जब आज़ादी मिली, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो भी 9% महिलाएं हमारे पार्लियामेंट में उस समय प्रतिनिधित्व कर रही थी, 5% महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही थी। और आज मोदी सरकार कहती है कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व जो मिला है आज महिलाओं को हमारे पार्लियामेंट में, तो वो 14% मिला है, 14% हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो हम अपने आप की पीठ थपथपा रहे हैं कि कितना बड़ा पार्टिसिपेशन महिलाओं को मिल गया है। लेकिन 75 साल बाद आज़ादी के अगर हम ये देखें कि हम 5% से सिर्फ 9% और बढ़े हैं, 5% तो पहले भी महिलाएं थीं, लेकिन अब और सिर्फ 9% हम 75 वर्षों में बढ़ पाए हैं, ये तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई गर्व की बात है। इसकी इसमें बहुत बड़ा बदल होने की आवश्यकता है। और बहुत सारे देश आज महिलाओं को कोटा दे रहे हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं भारतीय एक डेलीगेशन में गई थी यूएई को, तो यूएई की गवर्नमेंट में 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व है। और हमारा देश जो इतना उन्नत देश है जिसमें महिलाएं इतने पहले से बाहर आके काम करती हैं, हमको सिर्फ 14%, ये बात तो कहीं हजम नहीं होती है। वैसे ही बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जहाँ स्लोवाकिया है और दूसरे कंट्रीज़ हैं, जहाँ उन्होंने कोटा सिस्टम शुरू किया, और आज कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें 2/3 संख्या महिलाओं की आज है, कहीं 50% है, कहीं 75% है। जब दूसरे कंट्रीज इतना महिलाओं को पार्टिसिपेशन देने में आगे बढ़ सकते हैं, तो हम जो विश्व गुरु बन रहे हैं, तो हम महिलाओं को नहीं देंगे? मैं तो ये समझती हूँ कि अगर सबसे बड़ा उपहार कोई हो सकता है ये सरकार का हम महिलाओं को, तो 75वें वर्ष में जिसको अमृत काल कहा जा रहा है, अगर ये सच में अमृत काल है, तो इस अमृत काल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 50% बनाने का बिल पार्लियामेंट में आना चाहिए। और उस पार्लियामेंट को आज मोदी सरकार के पास बहुत भारी बहुमत है, वो आराम से इसको पास कर सकते हैं। ऐसे अनेक कायदे उन्होंने पास किए हैं जहाँ किसी विपक्ष की भी उनको ज़रूरत नहीं रही है। आज तो विपक्ष उनका साथ देने को तैयार है, विपक्ष तो उसकी डिमांड कर रहा है कि महिलाओं का बिल आप पार्लियामेंट में लाइए और पास करिए। तो अगर ये हमारी इस 75वीं वर्ष में हमारे इंडिपेंडेंस की अगर ये डिमांड पूरी होती है, तो मुझे लगता है उस दिन से अमृत काल की शुरुआत इस देश में होगी, ऐसा मैं समझती हूँ। आपने बोला कि जो विमेंस पार्टी के बारे में बहुत अच्छा आइडिया है, आइडियल भी है,
मगर बात ऐसा है, आज हमारे देश के अंदर जो इलेक्टरल सिस्टम, क्या वो सिस्टम यदि हम एक महिलाएं एक पार्टी बनाए, ये सिस्टम आज जो देश का अंदर है वो सिस्टम क्या हमें पार्टी बनाने का मकसद क्या है? हमें भी चुनाव लड़कर संसद और विधानसभाओं में आके नीति निर्णय तय करने में भाग लेने का है। ऐसा नहीं है कि हम नाम के वास्ते एक पार्टी बना रहे। तो आज की जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो सिस्टम क्या हमें अलाउ करेगी? जो इतना पार्टियां है वो पार्टी सारा मनी पावर पे चल रही है और मसल पावर पे चल रही है, और इस देश पुरुष प्रधान देश है, और जो कितना महिला ऐसा होगी एकदम से एक आइडियल सिचुएशन हम सोच रही है उधर। ये सारा आपने बिल्कुल सही बोला कि मैं देश के पहला जो सोशल ऑडिट NREG के अंदर तमिलनाडु में पूरी स्टेट का ट्रेनिंग कर रही थी, उस वक्त सोशल ऑडिट किया। उस सोशल ऑडिट करने के लिए पंचायत प्रेसिडेंट कुर्सी पे जब तक नहीं बैठेगा सोशल ऑडिट शुरू नहीं होगा। वो एक महिला थे जो पंचायत प्रेसिडेंट, और वो बैठने के लिए तैयार नहीं है कुर्सी पे। कितना भी उनको बोला, कितना भी बोला, मगर वो बोल रही, वो दूसरा जगह पे बैठे बोले मेरा घुटने पे दर्द है। मैंने बोला इतना ऊंची पे बैठने पे घुटने पे दर्द नहीं, कुर्सी पे बैठने के क्या है? फिर वो पूछताछ करके पता चल गया आधा घंटा एक घंटे में उसका पति उधर कहीं पर है, पति के सामने पति खड़ा है, पत्नी बैठना नहीं है। और ये भी देखना है कि और उसी महिला कुछ साल बाद कि पति भी हो अपना जो बोले है ना पति सरपंच पति वाला जो मंत्री जी ने इधर बोल के गया है वो एक समाने में सही था। ये नहीं है कि ये क्या है महिला बदला नहीं है, मतलब महिला बदला है, कुर्सी का पावर जान रही है, वो की छीन रही है, अपना यदि छीना है तो वापस छीन रही है, ले रही है वापस, ये एक बात है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।